आयोजित पसमांदा मुस्लिम समाज सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य विकलांग एवं जन विकास मंत्री अनीस मंसूरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, फूट डालो राज करो का काम कर रही है। राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में उतरने वाली MIM पार्टी पर भी निशाना साधा। सपा के गठबंधन पर उन्होंने जवाब दिया कि सपा अपने आप में काफ़ी है और उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं, चाहे पीस पार्टी हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये सारी की सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमान वोटों को डिवीजन करने का काम करती हैं। ये RSS और भाजपा के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करती हैं। ये RSS और भाजपा की वींग हैं, चाहे पीस पार्टी हो चाहे AIU, ये भाजपा द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं ताकि मुस्लिमों को वोट को बांट करके और भाजपा राज काम किया जा सके। क्या सपा जो है गठबंधन करेगी आने चुनाव? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन विश्वास इसलिए रखती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम बहुत सारी योजनाएं चला करके गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, बहुत सारी उनके प्रति योजनाएं चला करके और उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली लाने का काम किया है। इसलिए वो अपने विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बतौर मुख्य अतिथि से प्रदेश में बढ़ते अपराध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध को रोकने में मुख्यमंत्री ने बहुत कंट्रोल किया है, आगे भी अपराध को रोकने का प्रयास जारी है। हर बड़ी अपराध को गंभीरता से ले प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात की। जो अपराध हो रहे हैं, जहां भी अपराध हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर अपनी टीम के साथ जाकर के और सख्त सख्त कार्रवाई करने का काम किया और उसको कंट्रोल किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिस तरीके जब से सरकार बनी है RSS भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन जहाँ भी शुरुआत होती है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हिकमत अमली के साथ में वहाँ पर जाकर के कंट्रोल कर लेते हैं और वो झगड़ा वहीं तक रह जाता है, उत्तर प्रदेश उलगने से बच जाता है। उत्तर प्रदेश में विकलांगों को जितना सुविधा देकर उन्हें लाभ दिया गया है, उतना सुविधा हिंदुस्तान के किसी अन्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था विकलांगों के लिए नहीं दिखाई दी है। उक्त बातें प्रदेश के राज्य विकलांग एवं जन विकास मंत्री अनीस मंसूरी ने पसमांदा मुस्लिम समाज सम्मेलन के आयोजन के दौरान पत्रकारों से कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 40% के ऊपर विकलांगों और रोगियों को 2,500 रुपया प्रति महीना उन्हें देने का काम किया है। चुनाव सर पर देख हर राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से कोशिश में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन इसका कितना फ़ायदा राजनेताओं को पहुँचेगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। जौनपुर से अमित गुप्ता की रिपोर्ट।